बिल्कुल, अल्लाह ताला मायूस नहीं करता। नहीं नहीं, हम महसूस भी नहीं है, जो वक्त खुदा ने दिया हमारे को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आपको अजर इस कुछ भी नहीं है। बच्चे ये देखो, जतीन है बच्चे, ये दो बेटी के बच्चे, ये जतीन मेरे पास हैं। बेटा 18 साल 19 साल का था, फौत हो गया, खामद भी फौत हो गया, अब कुछ भी नहीं है, गरीब लोग। ये कार्ड दफ्तर में दिया भी था पहले चेक कराने के लिए, उन्होंने कहा अभी पहली तारीख को तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, अभी तक 6 महीने हो गए पैसे नहीं है। पर्ची भी उन लोगों ने दी थी हमें, पर्ची भी है हमारे पास, पर्ची भी उन्होंने बना के दी थी, अभी तक पैसे नहीं है, 6 महीने हो गए। क्या करें गरीब बंदे, मिलते भी नहीं है, देते भी सारा दिन कबाड़ा चुनते हैं, तुम्हारे नहीं है ये सारा दिन कबाड़ा चुनते हैं, बनाना है हमारे बेटियों के बच्चे, हमारे क्यों नहीं मिलते पैसे लोग को, हर लोग को जो था। ये तो पहली सर्दी दे विच मर गई है, अल्लाह दीती है औलाद पहली तो वह अल्लाह घेन की सर्दी दे विच सास छोटी ठंड लगी सी मर गई है। सारे तो उतू दे बिस्तरे इतने काए नहीं, असा गरीब है, सारा खटले ही काए नहीं, असा के कोई इमदाद करो सारे। ओहे हुक्मरान आए थे गरीबा भी हम दर दीते करन तो कुछ ही लई अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग आप देख चुके हैं जैसा कि पहले, और सुन भी चुके हैं इन गरीब लोगों की, इन झुग्गियों वालों के जो मुश्किलात हैं, इनको जो सामना करना पड़ता है मुश्किलात का, और जो जो इनके मसाइल हैं, मैं कहती हूँ अगर हम देखें तो हमें इससे कहीं ज़्यादा महसूस होता है और पता चलता है कि इनकी लाइफ जो है कितनी टफ है, कितनी मुश्किल लाइफ ये गुजारते हैं। बेशक वो सर्दी है या गर्मी है, दोनों मौसम ही जो हैं इंसान पर असर अंदाज होते हैं, और हम लोग जो घरों में बैठे हैं हमें अंदाज़ा नहीं कि ये लोग जो हैं किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। आज का दिन इनके पास आई हूँ, इनके मसाइल सुने हैं, और बस दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनको भी कोई ऐसा आसरा दे, कोई घर दे जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी ना सही अच्छी गुजार सकें। आप देख रहे हैं इनके खाने का पकाने का, और इनके कपड़े देख रहे होंगे, इनके बच्चों की हालत देख रहे होंगे, इनकी लेडीज़ को देख रहे होंगे, क्या क्या इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरी होता है हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन इनके पास वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का आसरा है, और ये फिर भी शुक्र अदा करते हैं अपनी लाइफ जो गुजार रहे हैं। बस शिकवे भी किए हैं कि हमें कोई घर दिए जाएं, जो बड़े लोग हैं हमें कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी अपनी ज़िंदगियां जो है ना आसानी से गुजार सकें। तो ये मेरे जाने पे इतने ही खुश हो गए कि ये आप आई हैं और हमारे मसाइल को सुना है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे, किसी भी वसीले से दे, बेशक मेरा चैनल अल्लाह ताला आगे कर दे, तो मैं इन लोगों की ज़रूर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ, बाकी दुआ ही कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनको क्या क्या मुश्किल हो सकती है, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं देखने के बाद। तो ये जो छोटे बच्चे, इनके पढ़ाई के दिन है लेकिन ये नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके पास तो पाँव में जूती नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पता नहीं है कैसे पूरा करते हैं अपना, अल्लाह ताला ही है बस जो इन लोगों को देता है और किस वसीले से देता है और ये ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी ज़बानी भी आपने इनके मसाइल सुने हैं, और मैं जैसा बता रही हूँ आपको दिखा रही हूँ इनकी हालत से आप देखें, और ये किस जगह बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द इनके कितनी गंदगी है, और इनके घरों में देखें आप कोई सहूलत नहीं है, घर क्या एक झुग्गियाँ हैं जो कि पतले पतले कपड़ों से बनाई गई हैं, ये भी नहीं कोई टेंट है या कोई ऐसा है, कुछ भी नहीं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बनाए हुए हैं। कोई बीमार है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, और सारा कुछ इनका जो निज़ाम है वो इन्हीं झुग्गियों में होता है, ये देखें आप।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमाया।